हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आईटी स्मार्ट पे। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा सीएससी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद हो गया था, लेकिन अब जाके फाइनली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हो गया। तो आपको इस वीडियो में पूरा बताऊँगा कैसे आपको सीएससी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना है क्या, अपने क्रोम ब्राउजर से यहाँ पे गूगल सर्च करना, वहाँ पे लिखना आपको csc.gov.in। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहाँ पे क्लिक करके भी साइट पे आ जाएंगे। जब इस तरह का सर्च करेंगे आपको सब ऊपर में आ जाएगा ये ऑप्शन, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के ये देखिए सीएससी का जो ऑफिशियल साइट है ये ओपन हो चुका है। अब आपको क्या करना है सीएससी के लिए नया रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे आपको देखिए लिख रहा है सीएससी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे, तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एक नया टैब खुल के आएगा आपके सामने, और फिर आपको क्या करना है यहाँ पे देखिए अप्लाई लिखा है, तो यहाँ पे क्लिक करना है। अप्लाई पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना, तो यहाँ पे आपको सीएससी वैली चूज कर ले, बाकी इन सभी को आप छोड़ दें, ये इतना मायने नहीं रखता। तो इससे इसकी वैली चूज। अब आपको यहाँ पे देखिए टीईसी सर्टिफिकेट का नंबर मांग रहा है, मतलब कि अब जो है सीएससी रजिस्ट्रेशन करने के लिए मतलब सीएससी आईडी वही ले सकते हैं जिनके पास टीईसी सर्टिफिकेट है, यानी कि जिसके पास टीईसी सर्टिफिकेट है वही सीएससी आप ले सकते हैं, अन्यथा आपको सीएससी आईडी नहीं मिलेगा। अब सवाल है कि ये टीएससी सर्टिफिकेट है क्या और ये कहां से मिलेगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको सीएससी आईडी कहां से मिलेगा और कैसे लेना है आपको सीएससी आईडी। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले 2019-18 में सीएससी आईडी लेना बिल्कुल आसान था, सिर्फ आपको ऑनलाइन यहां से करना पड़ता था और कोई भी आईडी ले सकता था। लेकिन अब यहां पे फाइनली सरकार ने चेंज कर दिया और उसने कहा कि अब सीएससी आईडी सभी को नहीं दिया जा सकता है, जिनके पास नॉलेज है जानकारी है जिनके पास वही सीएससी आईडी ले सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि टीसी सर्टिफिकेट है क्या और इसे कहां से लेना पड़ता है। यहां पे आपको देखिए एक लिंक दिख रहा होगा, यहां पे आपको सिंपली इस पर क्लिक करना पड़ेगा। ये देखिए यहां से आपको सामने इसके सामने यहां पे एक लिंक है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए टीसी का ऑफिशियल साइट खुल जाता है और आपको यहां पे लॉग इन विद अस पे क्लिक कर देना है। जब आप यहां पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा एक नया टैब में। आपको यहां से देखिए दूसरा वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे रजिस्टर करें पे क्लिक करना है। यहाँ पे जब आप रजिस्टर करें पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए एक फॉर्म खुल के आएगा, आपको ये फॉर्म पूरा भर लेना है। मैं आपको बता दूँ टीएससी सर्टिफिकेट है क्या, जब ये सर्टिफिकेट आप ले लेंगे तब आप सीएससी आईडी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस टीईसी सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जब आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा तब आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड मिला जाएगा, और उस यूजर नेम पासवर्ड को लॉगिन करने के बाद यहाँ पे जब लॉगिन विथ पे क्लिक करेंगे तो आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, पीडीएफ मिलेगा, आपको इंग्लिश में वीडियो मिलेगा और हिंदी में भी वीडियो मिलेगा। उस वीडियो को आपको वॉच करना या फिर पीडीएफ को पढ़ना, उसको पढ़ने के बाद आपको वहाँ पे एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आपको एग्ज़ाम में 80% मार्क्स लाना पड़ेगा, अगर एग्ज़ाम में 80% मार्क्स मिल जाते हैं तब आपको वहाँ पे सीएससी के लिए जो टीईसी सर्टिफिकेट की जरूरत है वो सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा मैं आपको यहाँ बता दूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे नाम भर देना है और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भर देना, यहाँ पे ईमेल आईडी भर देना, यहाँ पे फादर्स नेम भर देना, और यहाँ पे आपको अपना स्टेट चूज कर लेना जो भी स्टेट से, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना, यहाँ पे पूरा एड्रेस, और यहाँ पे जेंडर चूज कर लेना जो भी आप है, और यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ टाइप कर देना है, और यहाँ पे फोटो आपको अपलोड करना जिसका साइज 50 KB से कम हो JPG फॉर्मेट में। इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट बटन पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया टैब खुल के आएगा और वहाँ पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा 1400 रुपीज़ के आसपास कुछ रुपीस है, वो जब आप पेमेंट कर देंगे इसके बाद आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। फिर आप जब आपके पास आईडी पासवर्ड मिल जाएगा आपका, फिर यहाँ पे आपको आना और आ जाएगा, फिर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड जो भी आपको मिलेगा उसे डालकर लॉगिन कर लेंगे, और आपको वहाँ पे आपका असाइनमेंट मिल जाएगा हिंदी में और इंग्लिश में, पीडीएफ में भी मिलेगा और वीडियो भी मिलेगा। आप चाहें तो पीडीएफ रीड कर सकते हैं या फिर वीडियो वॉच कर सकते हैं। जैसे ही आपका सेशन कंप्लीट हो जाएगा आप वॉच कर लेंगे अच्छे से, फिर आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और अपना एग्ज़ाम आप दे पाएंगे। एग्ज़ाम जैसे आपका कंप्लीट हो जाएगा 80% मार्क्स आपको मिल जाएगा, तब आपको टीएससी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जब आपको टीएससी सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो फिर आपको यहाँ पे उसका नंबर डालना और यहाँ पे एक मोबाइल नंबर देना और ये कैप्चा कोड डाल के यहाँ पे सबमिट कर देना। आगे का प्रोसेस मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। धन्यवाद।